लड़की है पुष्पांजलि। सर मैंने कर लिया उसका आंसर, आई गॉट 300। नहीं 300 नहीं आएगा। पुष्पांजलि। हाँ सर आ गई। वेरी गुड। अभी ये शबनम कह रही थी कि बहुत बदमाश लड़की है पुष्पांजलि। सर 150 का। ठीक है चलो अब क्वेश्चन नंबर 41 हो गया क्या? सर 150। नहीं 150 नहीं है। एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाना है पास करने के लिए, वो 30 मार्क्स लेके आया और फेल कर गया 30 मार्क्स से। हाँ मतलब कि पासिंग मार्क्स कितना होगा? 60। वेरी गुड। 30 + 30 = 60। और वो कितना का? 40% होगा। हाँ 40% होगा वो टोटल मार्क्स का। सो 40। अरे रुक रुक रुक, रिकॉर्डिंग पे लगाया है वो रिकॉर्डिंग? यस सर। कैसे पता तुमको रिकॉर्डिंग पे लगाया है? सर वो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। वो दिखा रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ यस सर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। बहुत होशियार हो तुम लोग। ओह माय गॉड 40% ऑफ टोटल मार्क्स। पहले ये बताओ शबनम कि तुमने क्यों बोला कि ये पुष्पांजलि बदमाश है? हाँ पुष्पांजलि मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने सबको बोला कभी नहीं बोलेंगे। वो लेट ज्वाइन क्यों कर रही है? हाँ तुमने बोला ना कि वो बदमाश है। सर ये पासवर्ड डालने में थोड़ा दिक्कत होता है। तुम लोग अपना मैं तो कॉपी पेस्ट करके डालती हूँ। कॉपी पेस्ट करके ना, मेरा कॉपी पेस्ट नहीं होता एक्चुअली, लैपटॉप नहीं है ना इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी फोन है। ए तुम लोग देख लो भाई, कोई डाउट है पूछो। अच्छा अच्छा सर मेरा 150 ही आएगा आंसर। हाँ तो अभी पहले 300 कैसे लेके आए थे? सर वो मैंने ना वो कटिंग में गलती कर। ठीक है अभी ये समझ में आ रहा है पुष्पांजलि हुआ क्या इसमें? नहीं सर समझ में नहीं आया। नहीं आया। एक स्टूडेंट को सर अभी देख रही हूँ। हाँ ठीक है ना, वो 30 मार्क्स ला रहा है, 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 60 मार्क्स। और वो कह रहा है कि 40% मार्क्स आना चाहिए पास करने के लिए, तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स क्या होगा? 60 मार्क्स यही होगा ना, अगर वो फेल कर रहा है 30 मार्क्स। हाँ, 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 तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स 60 मार्क्स। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, टोटल मार्क्स इज टोटल मार्क्स दैट इज टीएम। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा 150। ठीक है हाँ, आ गया समझ में? आ गया। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये पैसेज है, ये पजल है। 6 क्वेश्चन होंगे इसमें, पहले इसको ट्राई कीजिए। ए बी सी डी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टडीइंग 4 डिफरेंट सिटीज। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सर 40। 40 नहीं बेटा, पजल कहाँ लिखा है? पजल कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ए बी सी डी आर स्टूडेंट्स? सर 42। कहाँ? नहीं 43 से जाके 6 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, पहले ये पजल सॉल्व करना होगा। पहले बनाओ इसको। सर अगर हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया तो फिर आप हम लोग का टेस्ट लोगे क्या? हाँ टेस्ट लेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी न्यू आइडियाज। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ पूछिए ना, बोलिए ना। मतलब कि आप मेरे को ना, मतलब आप क्लास में तो करवाते हो, फिर हम लोग उसको रिकॉर्डिंग देखते हैं, दैट इज गुड। आप सी सेट का टेस्ट देते हो, वो भी मतलब टेस्ट में क्वेश्चंस करने देते हो, दैट इज गुड। सो मेरे को टास्क दो ना, टास्क होमवर्क के लिए डेली। हाँ यही तो चाहिए मेरे को, इतना सिंसियर लड़का है शबनम। वेरी गुड, चलो आज दे देंगे तुमको। सर आपने मेरे को मैसेज में भी लड़का बोला, तो आप लड़का नहीं है क्या? चलिए पुष्पांजलि डिफेंड मी। अरे देखो ये लड़का लड़की के अरे मत पढ़ो ये सब। अरे सर तो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ लड़का लड़की के चक्कर में ये पढ़ाई पे ध्यान दे। मजाक कर रहे थे, तू भी मजाक कर ले। नहीं नहीं है, मैं मजाक कैसे कर सकती हूँ? तुम लोग करेगा जी जल्दी पजल? 6 क्वेश्चन है, तुम लोग साल भर में करोगे पजल की स्पीड से। दे आर स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट सिटीज, पी क्यू आर एफ एंड नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर।
दे आर स्टडिंग इन फाइन कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग. हेलो 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 सर सर कर रहे हैं कर रहे हैं सर शबनम का हो गया आंसर बताओ शबनम. अरे सर सर कर रही हूँ एक सेकंड दीजिए ना प्लीज. राजस्थान केरला पुष्पांजलि हाँ सर आप जो रहते हैं जिस जगह पे गुवाहाटी में हाँ, वो बीरूबारी से कितना दूर है या इससे क्या बोलते हैं उसको कौन सा जगह था वो भंगा घाट से कितना दूर है. हाँ, भावगढ़ से सर यहाँ से निकलते निकलते 1 घंटा लग जाता है सर. 1 घंटा. सर गुजरात. अभी आंसर क्या बेटा अभी तो एक क्वेश्चन देख रहे हो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो. ये लो 44 करो 45 करो. सर एक ये 43 का मेरा आंसर राइट है गुजरात. मेरे को क्या पता मेरे को ही पजल सॉल्व करना होगा. 44 बताओ. सर 44 शबनम यस सर. शिलोंग में रेलवे स्टेशन नहीं है. नो सर ओनली इन गारो हिल्स. कितना दूर है गारो हिल्स. सर होगा 2-3 घंटे. 44 का आंसर बताइए. साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला. केरला. अरे साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला. यहाँ सिटी क्यू सिटी एस आर पी पूछ रहा है केरला. चलो सुनो भाई लोग और उनकी बहन लोग आप लोगों को क्या करना है ये क्वेश्चन आप लोग ठीक है ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन हाँ 43 से 48 ट्राई कीजिए. कल क्या करेंगे हम बस ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे सी सैट में और बाकी जो क्वेश्चन होगा बाकी पूरा जीएस पढ़ेंगे. ये वाला क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे आराम से अच्छे से. मैं चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ सॉल्व कर ही दूँ क्या सॉल्व. नहीं सर करें नहीं सर हमें करने दीजिए. ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है 43 से 48 होमवर्क है आपका. पुष्पांजलि आप भी कीजिएगा ठीक है. हाँ सर कर दूँ. और कौन सा पेपर है किस साल का पेपर है ये. सर मेरे पास है ये प्रिंटेड प्रिंटेड है और मैंने आपको इसमें 2018 का पेपर 2018 का ठीक है 43 से 48 करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 52 भी कर लीजिएगा ये वाला. सर मुझे ये वाला बताइए ना आपने जो उस टाइम में वो निकाला था ना क्वेश्चन वो परसेंटेज वाला 41 आरएस में से हाँ तो उसका जो 42 था एक बार देखिए ना इसमें ये सर 42
इसमें कौन सा 42? सर ये नहीं, आपने वो परसेंटेज वाला निकाला था ना जिसका आंसर 150 था। हाँ 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 वो तो इसी पेपर में ना 2018 इसका ये है ना 41 वाला। 42 कीजिए सर एक बार, आप तो जल्दी जल्दी बता दोगे। 42 यस सर। ये वाला, ये वेन डायग्राम है बेटा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। वेन डायग्राम मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है। आराम से करेंगे ना, पुष्पांजलि को भी समझने दो। ये अलग क्वेश्चन है, 42 भी ट्राई कर लीजिएगा, बता दूंगा ये। ठीक है, ठीक है सर। 43 to 48 52 42, इसमें कुछ भी नहीं है। एक हॉकी पैंट्स पहन रहे हैं, एक हॉकी शर्ट पहन रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं पहन रहे हैं। तो अच्छे लड़के नहीं है ये लोग, तो हम लोग बाद में बात करेंगे इनके बारे में। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कुछ नहीं पहना, मतलब सब कुछ पहन रहे हैं, डिसेंट लोग हैं मतलब। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ट्राई कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, इजी, कोई टफ नहीं है। नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, वो वेन डायग्राम एक क्वेश्चन से नहीं होगा, उसमें मैं और डायग्राम का पैटर्न। ठीक है, 43 से 48 52 42, और क्या है? तो ये लोग क्यों नहीं कपड़े पहन रहे हैं शबनम, क्या एलर्जी है इनको? 53, क्वेश्चन नंबर 53, शबनम ने कहा उसको होमवर्क चाहिए, देते हैं होमवर्क। सर सिर्फ सी सेट का नहीं बोला, मैंने बोला मेरे को कोई टास्क दे दो ना, क्योंकि मैं प्रीलिम्स एग्जाम दूंगी सोच रही हूं। और तुमको सी सेट नहीं चाहिए? 55, आवाज कट रहा है बेटा तुम्हारा, हो सकता है सर नेटवर्क से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क हैं आपके सी सेट के। ठीक है, ओके सर। चलो पुष्पांजलि चली गई भाग। हाँ नहीं 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 हो सर। सर ये आईबीसी में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में एक सिटाडेल करके एक पढ़ा था कल सर। हाँ, हाँ वो क्या है सर? बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही भली चीज है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में आईबीसी। क्या कह रहे हो, कुछ आवाज तो आ नहीं रहा, कट रहा है तुम्हारा आवाज। क्या आईबीसी में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में सर, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी पढ़ना पड़ता है ना सर आईबीसी का? हाँ, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में क्या पढ़ा था? हाँ सर, सिटाडेल करके। हाँ, तो सिटाडेल अपर टाउन था, सिटाडेल का डिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ, तो सिटाडेल हमने देखा तो था, अपर टाउन और लोअर टाउन का कॉन्सेप्ट बताया तो था कि राजस्थान में 4 सिटीज होते हैं, जहाँ पे आपको एक टाउन दिखेगा थोड़ा ऊपर वाला, वो सिटाडेल कहलाता है। नीचे के जो टाउन है वो लोअर टाउन कहलाते हैं। तो कहा जाता है कि जो अपर टाउन में जो मतलब बड़े लोग होंगे, जो हायर हायरार्की के लोग होंगे, वो लोग रहते होंगे। था आपको रिवाइज नहीं, वीडियोस देखिए अच्छे से, जो भी क्लास का हो रहा है रिवाइज कीजिए। आज आपका होमवर्क ये है, क्लासेस हो चुके हैं 4 वाले, वो पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसको क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ये पेपर देख रहे हैं, 2015 का पेपर है ये, यूपीएससी 2015 का प्रीलिम्स का पेपर है, जीएस का पेपर है ये। कहाँ गई शबनम? यही हो सर। नहीं हो तुम, गायब हो गए तुम। अब इस 2015 के प्रीलिम्स के पेपर का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जीएस का पेपर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 3 1 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा, इसका 7 कर लीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे इसको पहले एक बार। 1 3 6 7, 9 कर लीजिएगा, 1 3 6 7 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर लीजिएगा, ट्वेंटी कर लीजिएगा, जब आपको लगे कि काफी होमवर्क हो गया है मेरे को बता दीजिएगा। 20 21 कर लीजिएगा, कितना क्वेश्चन हो गया? अरे हो गया जी, और कितना करोगे? नाइन हुआ सर। आज ही कर लो क्या पूरा यूपीएससी? सर एक नाइन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कर लीजिएगा। सर क्या प्रीवियस ईयर पेपर करके कोई पास हुआ है? नहीं, कोई पास नहीं, कोई पास नहीं होता है, सब फेल हो जाते हैं। सर सीरियसली बोलो, क्यों नहीं पास हुआ है? पेपर सॉल्व करने से अच्छा है ना, अरे क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाते हैं। क्या सॉल्व करना चाहते हो तुम, बीए का पेपर या एमए का पेपर? मैं तो पूछ रही हूँ कि
PYQ करने से कोई गो थ्रू कर मतलब कि कोई गेट थ्रू हो सकता है PYQ क्यों करते हैं लोग? पैटर्न जानने के एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो जब करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला पोर्शन पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है. तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और प्लस हमें आइडिया लेना बहुत जरूरी है. PYQ और सिलेबस आपका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है. लोग ये छोड़ के सब कुछ पढ़ते हैं, आपको यही पढ़ना है अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो. और फालतू की चीज और एक लगेगा. हाँ तो लास्ट पंच क्वेश्चन सुनो तो सही, तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा आपका, 10 साल तक पढ़ते रहिएगा इसको. चलिए प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, सिलेबस अच्छे से याद कीजिए अपना क्या पढ़ना है आपको क्या नहीं, और उसके हिसाब से करंट अफेयर्स कीजिए. हाँ बोलो. सर, आपने प्रीवियसली बताया था ना न्यूज़पेपर पढ़ने का पैटर्न, मतलब कि जैसे जून में एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाय मार्च जून या में अप्रैल। एग्जाम है तो क्वेश्चन मार्च में क्यों सेट कर देगा? सर आप हंस रहे हो या सैड हो रहे हो, क्या हुआ सर? मैं बहुत दुखी हूं तुमसे शबनम. एक बात बताओ बेटा कि जून में अगर पेपर एग्जाम होगा तुम्हारा तो वो कब सेट करेंगे? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक सेट करेंगे? मार्च में क्यों सेट करेंगे? अच्छा अप्रैल में सर, अप्रैल लास्ट वीक तक। हाँ अप्रैल लास्ट वीक तक या मई फर्स्ट वीक तक. कहने का मतलब है कि अगर जून के स्टार्टिंग में एग्जाम है तो आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा. ठीक है मार्च में, ये कब बोला मैंने कि मार्च में पेपर सेट करेंगे? कुछ नहीं भी मैं भूल गई थी इसलिए सर आपको पूछा मैंने फिर से। अरे वेरी सर गुड. 1 ईयर का, 1 ईयर का करे क्या सर, करंट अफेयर्स 1 ईयर का या 2 ईयर का? लास्ट लास्ट के 10 मंथ्स का रखना होता है पहले. टेन हाँ मंथ्स पीछे से जाइए, वो आपके ऊपर नहीं है. 2 ईयर गॉड। का कोई नहीं कर सकता, वो फालतू की बकवास है. आप मान लो जून में एग्जाम है हाँ तो स्टार्ट करोगे हाँ 2020, फिर मार्च में जाओगे, फिर फेब में जाओगे, इस तरह से जैन में जाओगे. कैसे जाना है आपको इस तरह से? जितने मन जा सको, 6 मन जा सको तो 6 मन, 2 साल कर सकता है. ऐसे आपको बैकवर्ड जाना है. ठीक है समझ में? हाँ सर, पुराना वाला भी करना पड़ेगा। एक्चुअली जनवरी से मैंने कंटिन्यू किया है सर करंट अफेयर्स का थोड़ा, तो नहीं ऐसे नहीं अभी करना है. पुराना जनवरी वाला। जनवरी पुराना नहीं करना है बेटा. क्या बोला क्या सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अभी मान लीजिए अप्रैल चल रहा है आपका, तो पहले आपको जो लेटेस्ट होता है वो करना होता है. पीछे नहीं पूछेंगे, पहले वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछते हैं. तो स्टार्ट बैकवर्ड जाइए. बैकवर्ड अब ये नहीं कि अब 2020 का प्रीलिम्स अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं. मान लीजिए अभी अप्रैल 22 चल रहा है तो पहले आपको फरवरी 22 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि मार्च का भी आएगा आया नहीं होगा जो करंट अफेयर मैगजीन होगा विजन का. फिर उसके बाद जो फरवरी खत्म हो तो जनवरी करना है. मान लो फरवरी कर ही रहे हो और बीच में मार्च आ गया, तो फरवरी जहां तक किया है 50 पेज 60 पेज वहां पे छोड़ के मार्च वाला करो. जो लेटेस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स. कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ लास्ट मंथ से ही ना 30-40% तुम्हारा करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है. ठीक है सर वो तो सर जैसे बजट उजट आता है उसमें तो चेंज होता रहता है, इसलिए शायद सर ना सर हाँ. अब मेरे को उसके लिए जाना, सर। लेट हो गया हूँ आज के लिए, तो हम लोग कल मिलते हैं. ठीक है ठीक है सर, ठीक चलो बेटा. है। ओके बाय बाय सर, हाँ चलो बाय बाय। बाय.